हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MGV स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे सौर मंडल के शेष ग्रह, सौर मंडल पार्ट टू। सौर मंडल के जो शेष ग्रह और उपग्रह पिछले वीडियो में जो बच गए थे उनके बारे में। दोस्तों, ये परीक्षा के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। RRB, NTPC, पटवार, रीट, RTET, LDC, HSC, CTET। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर भी करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, MGV स्टडी पॉइंट में आज हम ग्रहों के बारे में, सौर मंडल के ग्रह और उपग्रहों की चर्चा आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शुक्र ग्रह की। दोस्तों, शुक्र ग्रह पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये आकार और भार में लगभग पृथ्वी जैसा ही बताया गया है, जिसके कारण इसे शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी के निकटतम ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। दोस्तों, एक ये शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों, शुक्र ग्रह को भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों, परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, और भोर का तारा या संध्या का तारा वो भी शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि जो शुक्र ग्रह है वो कौन सी दिशा में कब दिखाई देता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह सुबह के समय में ये पूर्व दिशा की ओर दिखाई देता है, और ये शाम को पश्चिम दिशा की ओर दिखाई देता है। दोस्तों, ये सुबह और शाम दोनों समय अपनी दिशा बदल लेता है। जहाँ सुबह के समय यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है, वहीं शाम के समय यह पश्चिम दिशा की ओर दिखाई देता है। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह की बात करेंगे कि यह सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। दोस्तों, एग्जाम की तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि सर्वाधिक गर्म अथवा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। इन दोनों में हम बात करेंगे शुक्र का। नेक्स्ट है शुक्र का तापमान। शुक्र ग्रह का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है। फिर चलते हैं शुक्र ग्रह की परिक्रमा के बारे में। परिक्रमा, ये पूर्व से पश्चिम दिशा यानी अन्य दूसरे ग्रहों की तुलना में ये विपरीत दिशा में चलता है। अन्य जो शेष ग्रह वो इनके विपरीत दिशा में चलते हैं, वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, जबकि शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु मैक्सवेल है, जो बीटा माउंटेन पर स्थित है। चलिए दोस्तों, शुक्र के बाद हम बात करेंगे पृथ्वी की। पृथ्वी जिस पे जीवन यापन है। दोस्तों, ये आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। आंतरिक ग्रह में, कि हमने ग्रहों को दो भागों में बांटा था, एक आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, यानी जहाँ पे जीवन यापन है, और यहाँ पे जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? जल की उपस्थिति के कारण। दोस्तों, हम बात करेंगे इसके उपग्रह की, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो चांद, जिसको चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चांद। दोस्तों, फिर हम बात करेंगे पृथ्वी के बनावट की।
पृथ्वी की जो बनावट है वो एक तो कक्षीय झुकाव पे ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है और एक्स पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। दोस्तों हम बात करेंगे, क्वेश्चन है ऋतु परिवर्तन कब होती है या किस कारण होती है। तो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपनी अक्ष पर, इसलिए ऋतु परिवर्तन होता है। दोस्तों ये केंद्र पर कक्षीय झुकाव इसका 66.5 डिग्री है और अक्षीय झुकाव इसका 23.5 डिग्री है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसकी परिक्रमण की। दोस्तों परिक्रमण में जो पृथ्वी है वो पश्चिम दिशा से शुरू होती है। पृथ्वी की जो परिक्रमण है, गति है, वो पश्चिम से शुरू होती है और पूर्व की ओर जाती है। और परिक्रमण की इसकी गति है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य से इसकी दूरी, सूर्य की दूरी में पृथ्वी का अपना तीसरा स्थान है। दूरी के आधार पे जो पृथ्वी है वो सूर्य से तीसरे नंबर पे है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थलीय भाग है, यानी 29% स्थल भाग है जिस पे हम जीवन यापन कर सकते हैं या रह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है सौर वर्ष। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। दोस्तों सौर वर्ष क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर निकाल लेती है, क्या करती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो वो क्या कहलाता है, सौर वर्ष कहलाता है। और दोस्तों ये जो एक चक्कर है वो 365 या 366 दिन में पूरा होता है लगभग। नेक्स्ट है पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति, दोस्तों पृथ्वी अपनी एक्स पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए ये 23:56.04 में एक अपनी धुरी का घूर्णन यानी अपनी एक्स पर एक चक्कर लगा लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। यानी एक दिन पृथ्वी का एक अपनी एक्स पर घूर्णन करना जो 23:56.04 यानी लगभग 24 घंटे के समथिंग लग जाता है। नेक्स्ट सूर्य से दूरी 15 करोड़ किमी, जो पृथ्वी की सूर्य से दूरी है, दोनों के बीच की दूरी 15 करोड़ है। और सबसे निकट पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के निकट होते हैं 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, उस समय इनकी दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो उस समय ये उपसौर बनाती है, क्या बनाती है, उपसौर। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपसौर और उपसौर। उपसौर सूर्य पृथ्वी के निकट होती है और ये 3 जनवरी को बनता है। उपसौर 3 जनवरी को, जब सूर्य पृथ्वी दोनों एक दूसरे के पास होते हैं तो ये बनता है उपसौर। और फिर आता है अपसौर, जब सूर्य और पृथ्वी दोनों एक दूसरे से दूर हो तो अपसौर बनता है, और ये बनता है 4 जुलाई को। तो दोस्तों यहाँ तीन जुलाई जनवरी को
तीन जनवरी को बनता है उपसोर और 4 जुलाई को बनता है अपसोर। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है और इसे अपसोर कहलाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकट तारा। दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकट तारा पहला सूर्य है और सूर्य के बाद प्रक्सिमा सेंचुरी है जिनकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है मंगल ग्रह। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल है और लाल रंग होने के कारण ये ग्रह लाल कहलाता है। दोस्तों मंगल ग्रह का झुकाव अपने एक्स पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है और इसी वजह से वहाँ पर मौसम में परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह पर मौसम में परिवर्तन का कारण क्या है? मंगल ग्रह का 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। नेक्स्ट है मंगल ग्रह का परिक्रमण। यह पृथ्वी के समान 24 घंटे और 6 मिनट में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है मंगल ग्रह के उपग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। पहला है फोबस और दूसरा है डीमोस। नेक्स्ट दोस्तों ज्वालामुखी ओलिपस मेसी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलिपिया है जिनकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं बृहस्पति ग्रह पे। बृहस्पति ग्रह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी में इसका 5वां स्थान है। अगर सूर्य से दूरी की बात करें तो बृहस्पति 5वें स्थान पर है और पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह अगर पेपर में पूछा जाए कि सबसे बड़ा आकार में बड़ा कौन है तो हम बात करेंगे बृहस्पति की। अगर सूर्य से दूरी पूछ ली जाए तो हम बताएंगे 5वां स्थान है इसका और पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? लगभग 1300 गुना बड़ा है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे बृहस्पति की परिक्रमण। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर 9 घंटे और 55 मिनट में लगा देते हैं जो लगभग 10 घंटे माना जाता है। दोस्तों सूर्य की परिक्रमा में 11 वर्ष 9 माह है, लगभग 12 वर्ष लगता है। दोस्तों ये अपने धुरी पर एक चक्कर 9 घंटे और 55 मिनट यानी लगभग 10 घंटे में लगाता है। वहीं सूर्य की परिक्रमा ये 11 वर्ष और 9 माह में पूरी करता है जो 12 वर्ष से ऑप्शन में आ सकता है। पेपर में 10 घंटे तो ये खुद का चक्कर लगाता है और 12 घंटे में क्या करता है, ये सूर्य की चक्कर लगाता है तो ये आ सकता है। बृहस्पति में मुख्य कौन कौन सी गैस है? इस ग्रह में वायुमंडल में एक तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही गैस मौजूद है, दोनों गैस पाई जाती है। बृहस्पति के उपग्रह कुल उपग्रह संख्या में अगर पूछे तो 16 उपग्रह बृहस्पति के और जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। दोस्तों इस ग्रह का रंग पीला है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा है? पीला। नेक्स्ट चलते हैं शनि आकार के दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। आकार में पहला ग्रह कौन सा है सबसे बड़ा? बृहस्पति और दूसरा बड़ा ग्रह है
शनि। इसके चारों ओर छल्ला यानी एक वल्य बना होता है। इसकी ये सबसे बड़ी पहचान है शनि ग्रह की कि इसके चारों ओर वल्य बना होता है। इसका रंग पीला है और ये सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 29 वर्ष का समय लगा देता है। दोस्तों बात करें तो इसका घनत्व सबसे कम है, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है और ये पृथ्वी का 30 गुना कम पाया जाता है। दोस्तों शनि ग्रह को लाल दानव भी कहा जा सकता है, लाल दानव शनि ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वरुण, अरुण। आकार में तीसरा बड़ा ग्रह बृहस्पति पहला, शनि दूसरा और अरुण आकार में तीसरा, और सूर्य की दूरी से इसका सातवां स्थान है और ये अरुण है। इसकी खोज सर विलियम हर्सल ने 13 मार्च 1781 में अरुण ग्रह की खोज की थी। दोस्तों घूर्णन की दिशा, दोस्तों ये ग्रह शुक्र की तरह ही पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। दोस्तों शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रह की विपरीत दिशा में अपना घूर्णन करते हैं या परिक्रमण करते हैं। दोस्तों ये पूर्व दिशा से चलते हैं और पश्चिम की ओर घड़ी की दिशा में यानी घड़ी की सुई की दिशा के साथ साथ चलते हैं, जबकि अन्य सारे ग्रह इनके उल्टे चलते हैं। दोस्तों हम बात करें कि अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा 84 दिन में पूरी करता है, 84 दिन में पूरी करता है। दोस्तों शनि ग्रह की तरह अरुण पर भी वल्ले पाए जाते हैं, इसके चारों ओर छल्ले या कुंडली जैसा आकार होता है। दोस्तों हम बात करेंगे उपग्रह की, अरुण ग्रह के टोटल उपग्रह 21 होते हैं और ये अपने अक्ष का इतना झुका होता है, कम से कम ये 82 डिग्री झुका होता है अपनी एक्स पे, तो इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है ये झुका हुआ होने के कारण। दोस्तों हम बात करेंगे अरुण ग्रह पर गैस की, मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण इसका रंग है वो हरा दिखाई देता है। कैसा रंग दिखाई देता है? हरा, क्योंकि मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण। दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है वरुण। इसकी खोज 1846 में सर जॉन गोले ने की थी और ये सूर्य से दूरी में 8वां ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में करते हैं और पीले रंग का दिखाई देता है और इसके कुल 8 उपग्रह हैं।